स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल ऑन कॉइन के ऊपर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर देख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो सब कुछ हम डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम कॉइन के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। देखो कॉइन के सभी जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो एक बार आपको बता दिया तो आपको एग्जाम सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखो अगर हमने एक सिक्का हवा में उछाला या फिर एक सिक्के का हमने टॉस किया, ठीक है, तो आउटकम्स, उससे आउटकम्स कितने आते हैं। देखो एक सिक्का टॉस किया तो एक सिक्का वो चला तो हमें दो आउटपुट मिलते हैं। देखो एक तो हेड या फिर टेल, ये तो हम बता सकते हैं। मान लो दो सिक्के टॉस किए, तीन सिक्के टॉस किए, चार सिक्के एक ही टाइम टॉस किए, तो उससे आउटकम्स कितने आएंगे ये तो हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू टू रेस टू एन। देखो टू क्या है, टोटल एक सिक्का उछला तो दो आती है, दो आउटकम्स आते हैं, तो ये दो है और एन मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स। जितने भी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स रहेंगे उसको यहाँ पे रखने का एन की जगह पे, ठीक है। अगर आपके पास एक कॉइन आपने उछाला तो टू रेस टू वन मतलब टू, उसके आउटपुट कितने आएंगे, एक तो यह हेड आएगा या फिर एक टेल आएगा। अगर मान लीजिए आपने टू कॉइन्स टॉस किए हैं तो टू कॉइन्स टॉस किए तो उस केस में आउटकम्स कितने आएंगे, देखो टू का स्क्वायर फोर, तो उस केस में फोर आउटकम्स आएंगे। फर्स्ट हेड हेड आएगा दोनों ही सिक्कों के ऊपर या फिर दोनों ही कॉइन के ऊपर हेड हेड रहेगा, उसके बाद एक कॉइन पे हेड रहेगा दूसरे कॉइन पे टेल रहेगा, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉइन पे टेल रहेगा और दूसरे कॉइन पे हेड रहेगा और उसके बाद दोनों कॉइन पे टेल रहेगा, ठीक है। तो यही चार फोर आउटकम्स आते हैं अगर हमने टू दो सिक्के उछाले तो, ठीक है। उसके बाद देखो थ्री कॉइन्स, अगर हमने थ्री कॉइन्स टॉस किए तो टू रेस टू थ्री मीन्स एट, एट पॉसिबिलिटी आती है और एट पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आती है ये आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा है। हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, उसके बाद देखो टेल हेड हेड, उसके बाद देखो टेल हेड टेल 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 हेड और बाकी के सभी में टेल, ठीक है। तो इतने सारे आउटकम्स आते हैं कब, थ्री कॉइन्स उछलने के बाद। और अगर मान लीजिए हमने फोर कॉइन्स टॉस किए एक ही साथ तो देखो टू रेस टू फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है। फोर कॉइन के ऊपर एग्जाम्पल कभी आते नहीं है क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और उतना टाइम भी नहीं होता स्टूडेंट के पास, तो मैक्सिमम थ्री कॉइन्स के ही एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो देखो थ्री कॉइन्स के तो ध्यान में रखो, हेड 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 ये ध्यान में रखो, खाली स्टूडेंट ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, और ये फॉर्मूला याद रखो कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने पर कितने आउटपुट्स आते हैं, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो एक कॉइन टॉस किया तो दो आते हैं, दो कॉइन टॉस किया तो फोर आते हैं, थ्री कॉइन टॉस किया तो एट आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से टू रेस टू एन, एन में जितने कॉइन्स होंगे उतने नंबर एन में पुटअप करने का। तो ये थी कुछ बेसिक कंसेप्ट थी जो कि मैंने आपको बताया, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी बता सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख तो रहा है, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आंसर भी देख लो, उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाऊंगा, फर्स्ट एक क्वेश्चन है इसलिए आंसर दिखा रहा हूँ। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। आपको अगर आपको आता है तो देख लो, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जिसको कोई कुछ नहीं आता, तो बेसिक से शुरू करते हैं, हम हार्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हमें हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें व्हेन टॉसिंग अ कॉइन,
एक ही कॉइन टॉस किया है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2:n हमें पता है, कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे एक ही कॉइन्स है हमारे पास, एक ही कॉइन है, तो 2:1 इज इक्वल टू 2, मतलब एक तो हेड तो आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे यहाँ पे, 2 रहेंगे, ठीक है, 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 रहेंगे, बरोबर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमें चाहिए क्या, हमें ओनली प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की है, गेटिंग अ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड इसमें कितने हैं, एक ही हेड है, तो देखो फेवरेबल आउटकम्स हेड एक ही हेड है, तो इसलिए यहाँ पे एक, और हमारा फॉर्मूला तो पता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे एक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टू है, तो यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये हो चुकी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ज़्यादातर स्टूडेंट देखेंगे कि ये 1/2 क्या है, देखो हमने सिक्का उछाला तो उसमें दो प्रोबेबिलिटी है, ये नीचे का 2 क्या क्या इंडिकेट करता है, 2 प्रोबेबिलिटी है उसमें, एक तो हेड तो आ सकता है फिर टेल, तो हेड आने की संभावना क्या है, 1/2, 50% संभावना है हेड आने की, ठीक है, 50% आ भी सकता है और 50% नहीं भी आ सकता, यही प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करता है, समझ रहे हो, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इन परसेंटेज या फिर इन फ्रैक्शन में इंडिकेट करता है कि उस चीज़ की या फिर उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ रहे हो, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो देखो एग्जांपल 2, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली टू कॉइन्स टॉस किए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड, हमें ओनली 1 हेड चाहिए और हमने साइमल्टेनियसली 2 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो देखो वीडियो को पॉज करो और आप खुद से इसका सॉल्यूशन ढूंढो। देखो मैं भी निकालता हूँ, क्या होगा, 2 कॉइन्स टॉस किए हैं मतलब टोटल कंडीशंस 4 रहेंगे और हमें ओनली कौन से चाहिए, ओनली 1 हेड चाहिए, ओनली 1 हेड, किसमें किसमें आते हैं, हेड टेल में और टेल हेड में आती है मतलब 2, तो 2/4 ऑप्शन में है क्या, नहीं है ऑप्शन में, इसको 1 और इसको 2, 1/2 है क्या, हाँ 1/2 है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप भी इसी स्पीड से एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर ये है 1/2, तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, 2 कॉइन टॉस किए कितने, साइमल्टेनियसली 2 कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहेंगे, 2:2, 2:2 4, देखो ये हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है, यह हमने आप पहले भी डिस्कस किया था, तो 2 कॉइन टॉस किए हैं तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहते हैं, 4 रहते हैं, ठीक है, अब हमें फेवरेबल आउटकम्स हमें चाहिए क्या, हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 1 हेड, हमें ओनली 1 हेड चाहिए, सिर्फ 1 हेड चाहिए हमें, यहाँ पे क्या है, 2 हेड है, नहीं चाहिए, यहाँ पे एक ही हेड है, तो यहाँ पे हेड टेल ये ले लिया इस नीचे, यहाँ पे टेल हेड है तो ये भी ले लिया नीचे, और यहाँ पे 2 टेल है, ठीक है, तो ये भी नहीं चाहिए, तो देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो चुके, यहाँ पे 2 हो चुके, ठीक है, और हमारा फॉर्मूला पता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे देखो 2/4 इज इक्वल टू 1/2, समझ में आया, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 2 भी। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कुछ डाउट रहेगा आपको तो वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकती हो, और सबसे फर्स्ट वीडियो भी देखने का, सेकेंड वीडियो देखने का, ये सेकेंड वीडियो चल रहा है तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 सॉल्व हो चुका है, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स टॉस्ड की है साइमल्टेनियसली एक ही बार में, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट
एट लीस्ट वर्ड आया है, ये वर्ड भी मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। एट लीस्ट टू टेल्स मतलब एट लीस्ट कम से कम हमें टू टेल्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। चलो मैं भी निकालता हूँ आप इसका आंसर। देखो, थ्री कॉइन्स टॉस किए हैं, मतलब कंडीशन क्या रहेगी, टोटल आउटपुट्स 8 रहेंगे। ठीक है, 2 रेस टू 3 8, और हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट टू टेल्स चाहिए। तो टू टेल्स देखते हैं, यहाँ पे टू टेल्स, थ्री कॉइन टॉस की है, टू टेल्स चाहिए, एटलीस्ट बोला है, कम से कम दो तो चाहिए, ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। मतलब देखो, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक है, टू चाहिए हमें, टू टेल्स चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे थ्री है, थ्री चलेगा। टू टेल्स एटलीस्ट बोला है, मतलब कम से कम दो, ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कितने आए हैं, फोर, तो फोर फेवरेबल आउटपुट्स है हमारे, तो यहाँ पे 1/2, 1/2 आंसर है क्या, देखते हैं हम। क्वेश्चन थ्री चल रहा था, 1/2 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम, आंसर बी है। समझ में आया क्या किया, देखो, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 रेस टू n, यहाँ पे 8 आ चुके हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम्स है, और हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट टू टेल्स, कम से कम टू टेल्स चाहिए, ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। देखो ये ज़्यादा है तो भी चलेगा हमें, पर कम से कम दो चाहिए ही चाहिए, एक टेल हमें नहीं चाहिए, कम से कम दो चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो उस केस में फेवरेबल आउटकम्स 4 आते हैं, और 4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल भी वही बहुत ही सिंपल था, इसी टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, आप विद इन 10 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ये एग्जाम में ये टाइप करना या फिर ये लिखने को आ गया ना, तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हो। तो एग्जाम्पल 3 हो चुका, एग्जाम्पल 4 देखते हैं आप। तो देखो, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू टेल्स। अब एट मोस्ट बोला है, एट मोस्ट टू टेल्स मतलब मैक्सिमम टू चाहिए। ठीक है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर टू से ज्यादा हमें नहीं चाहिए, क्या टेल्स। तो देखो, आप भी सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम 8 आउटपुट्स है हमारे, ठीक है, और हमें एट मोस्ट टू टेल्स चाहिए, एट मोस्ट टू टेल्स। ठीक है, देखते हैं, टू टेल्स चाहिए हमें। देखो, टू टेल्स मैक्सिमम, एट मोस्ट बोला है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मतलब ए भी एक आएगा, यहाँ पे एक है तो भी चलेगा, यहाँ पे भी एक है तो भी चलेगा, यहाँ पे दो है तो भी चलेगा, एक है तो भी चलेगा, दो है, दो टेल्स है तो भी चलेगा, यहाँ पे भी दो टेल्स है तो भी चलेगा, हमें थ्री टेल्स नहीं चलेगा। ठीक है, एट मोस्ट बोला है, एट मोस्ट टू टेल्स, तो टू टेल्स ही चाहिए हमें, थ्री नहीं चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 7/8 इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन में देखते हैं 7/8 है क्या, तो 7/4, 1 1/8 और 7/8, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, डी आंसर है, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, और फेवरेबल आउटकम्स इतने हैं सब 7, तो 7/8। तो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है, अब हम फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, एट मोस्ट ये वर्ड मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको डीप में बताया था उसका मीनिंग क्या होता है, इस वीडियो में भी बताया है, इसलिए स्टार्टिंग से लेके सभी वीडियो अटेंड करो, तब आपका कंफ्यूज नहीं होगा, और वीडियो को भागा दौड़ते दौड़ते मत देखो, थोड़ा ध्यान से, एक हर एक पॉइंट, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड इम्पोर्टेंट रहता है, किधर क्या बताया है हमें सब पता रहता है, इसलिए हम एक बार बता दिया तो ज़्यादा दोबारा नहीं बताते वो चीज़ डीप में। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, 7/8 आया है। अगर कुछ दिक्कत रहेगी, और मैं कमेंट, हर एक कमेंट पढ़ता हूँ,
जो कमेंट मुझे लगता है कि एक कमेंट का आंसर या फिर एक कमेंट के बारे में मैंने वीडियो में नहीं बताया, तो ही उसी कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये कमेंट आई है और इसका मैंने किसी वीडियो में उसका उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं वो कमेंट आपकी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम भी वैसा होना चाहिए। तो देखो एग्जाम्पल 4 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, अब हम एग्जाम्पल 5 देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 नहीं है, 4 ही एग्जाम्पल्स थे इसके ऊपर, और इसी टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं, समझ रहे हो आप, इसी टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। इससे बाहर का कोई भी एग्जाम्पल देखो, एक तो 2 टेल्स बोलेंगे, 1 टेल्स बोलेंगे, एटमोस्ट 1 चाहिए, एटमोस्ट 3 चाहिए, एटमोस्ट या फिर कुछ भी नहीं है चाहिए, ओनली टेल्स चाहिए, ओनली 1 टेल्स चाहिए, ओनली 2 टेल्स चाहिए, ठीक है, या फिर विदाउट या फिर टेल को छोड़ के चाहिए, ओनली हेड्स चाहिए, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं मैक्सिमम कॉइन के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर या फिर ये कंटेंट एग्जाम्पल ऑन कॉइन का जो भी ये वीडियो था, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑन डाइस, तो डाइस के ऊपर हम सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में कंसेप्ट भी आपको बताएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो।